पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान चैप्टर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सियासी लीडर सद्दाम हुसैन की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माइक पकड़कर ऐसे राज उगल दिए गए जो शायद इससे पहले ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था और ना किसी को उम्मीद थी। ये राज जिस पर उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए और इलेक्शन मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने ISI पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है, जबकि सामने PTI सेक्रेटेरिएट में अली मोहम्मद खान समेत दीगर PTI की आला क्यादत को बैठे हुए भी देखा जा सकता है। PTI बलूचिस्तान चैप्टर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सद्दाम हुसैन ने माइक छीन कर क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। मेरे पास DRO आए, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। DRO से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे ISI के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो DRO वापस आते हैं मियां खान गुफ्ती के साथ। रात को 4 बजे FC के कर्नल का मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे DRO वापस आके, मैं खुल के कहता हूँ मुझे जो भी सजा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं इमरान खान के नजरिए के मुताबिक किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूँ, मैं डट के मुकाबला करूंगा। अगर ये समझते हैं कि ISI ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है या किसी FC के मेजर ने इसको मैनेज करना है तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दें, ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दें, ये जो आरोप और DRO पर बिठाए हुए थे इन्हें हटा के खत्म कर दें, इनकी नौकरियां भी इनको हटा दें, आप तो सब कुछ संभालें, टाउन कमेटी भी आप संभालें। आपको पता है मेरे हल्के में सिपी में जो डिवीजन है वहां खुदा पाक की कसम हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि मुहाफिज, वो वापिस बर्फ के कारखाने चलाते हैं बलोचिस्तान में, ये बर्फ भी प्रोक कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह बिजनेस करने वाले इस मुल्क को दिफा देंगे या इस मुल्क के दरदों की हिफाजत करेंगे? तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि हम इदारे के खिलाफ है, ये एक पॉलिसी है जो चंद अपराध लेके चल रहे हैं, बाकी इदारे हैं हमारे ही लोग बदली है। मेरे इलाके से भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, लेकिन एक बात हम आपसे अपील करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे जितने कैंडिडेट से, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है ना, ये हमारा जाती मैंडेट नहीं है, ये कौम का मैंडेट है। ये कौम ने इसलिए दिया था कि KD 804 को रिहाई मिले और इस मुल्क में जो सियासी अदब इस्तेकाम है इसको खत्म करके सियासी इस्तेकाम मिले। तो इसके लिए हमने सर धन जन जान सब की बाजी लगा ली है, जिस तरह स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, असद बैठा हुआ है, तो हमने इन चीजों से डरना नहीं है। मेरे सीनियर यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ जज्बाती इस वजह से हूँ कि हम जले हुए हैं, हमें अंदर से आप देखेंगे ना, अब भी आप हमें सलूट करेंगे कि इतनी ज्यादतियां होने के बावजूद आप फूल अफला की बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है।